निज जन्म माटी आसी पैंडेमिक परे वर्षक पर बहुत भल लगुच मत आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहूँगी कि जो प्रकार आपण मत एटी फेलिसिटेट कर आई एम डीपली ओवरवेलम्ड आड़शावासी मु बहुत बहुत कृतज्ञ बहुत धन्यवाद देवा चाहूँगी से मैंने जमी मत इज्जत दे जो मेसेज आ चीफ मिनिस्टर का कल ट्विटर भी आसी से आपण समस्त को सब ओडिशावासी को बहुत बहुत धन्यवाद मु बहुत कृतज्ञ मु एटा मो जन्ममाटी मु भारतर संतान ओडिशार पुओ आउ एबे जो दिल्ली जाऊँ जहाँ मो द्वारा हो पार मु पारु पर्यंत चेष्टा करी से आपण मान को मुझे आउ एटा मोर सौभाग्य भी हम जदि मु किछि ओडिशा पाई सेवा करी पारे आपण माने जानिथिबे कि मु ओडिया मीडियम रे पढ़ी सप्तम श्रेणी जाके तापरे मते मो बापा जितेंद्र किशोर महांती मते इंस्पायर कले 71 वॉर परे जेतेबेले पारादीप रे आमे जाए आईएनएस विक्रांत देखिलु सरी तापरे से इंस्पायर कले आउ तापरे मु आरआईएमसी डेराडून जॉइन कली और सेथिरे मो माँ लेट डॉक्टर शारदा महांती जी की फर्स्ट लेडी पीएचडी थिले ओडिया साहित्य रे से भी मते बहुत इंस्पायर करथिले और सेमाने बहुत मो पई सैक्रिफाइस करिसंती सेतेबेलकु कारण ओडिशा रु खाली डॉक्टर्स और इंजीनियर्स माने जाउथिले बहुत कम क्वचित लोक कॉम्बैट आर्म्स को फाइटिंग आर्म्स को जाउथिले तेणु आई वाज वन ऑफ द इनिशियल वन्स अलोंग विथ मेनी ऑफ माय वेटरन्स वर हियर आउ ता परठु धीरे धीरे मुझे देखुची बहुत ओडिया कॉम्बैट आर्म्स को आसवा आरंभ हेलानी इनफैक्ट से कथा जी कह मु 1980s रे इवन पितामाता माने तांकर झियो मानुकु ओडिया अफसर मानुकु बाहा करियाकु भी राजी नथिले सेतिपाई मोर सासु ससुर दे टुक अ वेरी ब्रेव स्टेप और गेटिंग देयर एल्डेस्ट डॉटर मैरिड टू मी दैट टाइम शी वाज इन द पीक ऑफ हर करियर शी वाज अ रेनाउंड डांसर मिसेस मामुन मोहंती एंड शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स किंतु माय फादर इन लॉ मिस्टर बीसी मोहंती एंड मिसेस क्षीरोदा मोहंती दे डिसाइडेड टू गिव द डॉटर टू मी सो सेटा आज बहुत किसी बदली गला आमर पॉपुलेशन आमर जो ओडिया माने बहुत कॉम्बैट आर्म्स रे आछंती एंड आई एम हैप्पी टू से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ देम हु हैव रिजन टू द रैंक हाईएस्ट रैंक सो फार ऑफ आर्मी कमांडर्स एंड इक्विवेलेंट आज दिन में मो छड़ा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सामंतरा जो कि इन्फेंट्री डायरेक्टर जनरल अच्छा डीजी डेंटल सर्विसेस जनरल साहू आउ डीजी आर्मी मेडिकल कोर अच्छा जनरल एस डी बेहरा लेफ्टिनेंट जनरल तीन जन जाक जोटा सेकेंड हाइएस्ट रैंक आर्मी रो से तीन जन अच्छा आपण मैंने जानते कि आर्मी नेवी एयरफोर्स बहुत स्टीप पिरामिडिकल स्ट्रक्चर सेठी सभा ऊपर को उठिबा एते सहज नुहे कोविड 19 परे मु वर्षक परे मु देश आम प्रदेश को फेरी आउ बहुत खुशी लगुच एठिकार डेवलपमेंट देखिकी बहुत गर्वित लगुच भुवनेश्वर इज ट्रूली शाइनिंग इट इज ओडिशा विच इज शाइनिंग आए काली मु पुरी मंदिर जाइथिली मते बहुत खुशी लागिला आ मु जा जानिली कि इवन लिंगराज टेम्पल इज ऑल्सो शाइनिंग टुडे आमर ओडिशा रे 40,000 वेटरन्स अछंती आ तांकर फैमिली मिसेले अराउंड 2,00,000 खंडे हेबे वेटरन्स दे कैन मेक इमेंस कंट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी आई वुड कॉल अपॉन एवरीवन टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग देम इनटू आवर सोसाइटी मु एया अनुरोध करिवि ओडिशार सब स्कूल्स एजुकेशन बोर्ड को कि एठी आमर बहुत कम लोक को मिलिट्री एजुकेशन विषय जना अछि मु ए अनुरोध करबा को चाहूची इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर सिविक साइंसेस पीपल देयर इज वेरी लिटिल
अवेयरनेस अबाउट आमर रैंक स्ट्रक्चर आमर को आर्म्स एंड सर्विसेस अच्छी आपण माने जानिथिबे कि पूरा विश्वर सबुठ बड़ वॉलंटियर आर्मी है इंडियन आर्मी ओवरऑल थर्ड लार्जेस्ट आर्मी किंतु बिगेस्ट वॉलंटियर आर्मी तेणु मोर अनुरोध है कि सबु जगह बेसिक एजुकेशन रे आर्मी विषय रे रैंक स्ट्रक्चर आर्म सर्विस सब विषय जदि बेसिक एजुकेशन दिया जाता बहुत भल हाँ आउ टुवर्ड्स दैट एंड आई वुड ऑल्सो कॉल अपॉन द एनसीसी मोर एंड मोर यू टू जॉइन द एनसीसी एटी इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब रे ओडिशा स्टेट रे बहुत लिमिटेड फुटप्रिंट आपण माने जानी एडी कॉलेज इज द लार्जेस्ट मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी INS सिल्का ऑफ नेवी आउ भुवनेश्वर रे हमर 120 टीए बटालियन अछि आउ डीआरडीओ रे बालेश्वर रे तंकर गोटे एस्टैब्लिशमेंट अछि आउ गोटे स्मॉल स्टेशन अछि हमर संबलपुर रे मेनली टू टेक केयर ऑफ द वेटरन्स मु सबु ओडिशावासी को ये अनुरोध करी भी वेटरन्स मानको इज्जत करंतु तंको निज संगे मिसै के रखंतु दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ motivating the society, they have made immense sacrifices in their life and they are your pillars of strength of your society. Samaj pai semane bahut kichi kari paribe takar bahut knowledge achi bahut jaga bulichanti tenu sethi pai mu sabu society ku kahibi ki anurodh karibi ki veterans manku nijara role model bhalia dekhantu काली मु सब वेटरन्स के संगे देखा करछि अमंगस्ट दी सीनियर वेटरन्स जनरल जयंत कुमार मोहंती जे कि जने आर्मी कमांडर थिले बहुत वर्ष पूर्वरु जनरल केपीटी सामंत इट इज सैड दैट वी लॉस्ट हिम दिस ईयर गॉड ब्लेस हिज सोल काली मो संगे जनरल नारायण मोहंती जनरल बसंत महापात्र जनरल भवानी दास ब्रिगेड LC पटनायक एमती बहुत आमर सीनियर वेटरन्स के संगे देखा हला एंड इट विल बी माय एंडेवर to do something for the veterans of our state. I thank the government of Odisha for having given me this honor. Au mate bahut khushi lage ki prati barsha batya hela pare bi jo prakar Odisha vasi batya pare nijuko rebuild karichanti au tapare prati barsha jo natural calamity achi ta pare bi जो प्रकार डेवलपमेंट होची मते देखी करी बहुत गर्वित अनुभव करछी मु आउ ओडिशा रो सिग्नेचर आमर इंडियन हॉकी टीम टी शर्ट देखिले मते भारी खुशी लागे एंड द मेन थिंग दैट वी से इज द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया ट्रूली ओडिशा इज द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया ओडिशा रो कुजीन खाइबा ओडिशा रो टूरिज्म धीरे धीरे द वे इट इज कमिंग अप मते बहुत प्राउड लगुच कोणार्क लाइट एंड साउंड शो देखिली आहरी खुशी लगला आशार युवक मानक युवती मानक यह अनुरोध करी दे सुड कंट्रीब्यूट मोर इन द स्पोर्ट्स NCC एंड जॉइन इन ग्रेटर नंबर्स इन सैनिक स्कूल RIMC आनिटा जाक सर्विसेस आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आतीपाई ओडिशा रे NDA आउ SSB पाई प्रिपेयर करिया को आमर इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे हवा उचित आपण माने जानिथिबे कि गर्ल्स मान को एबे एंट्री मिलिलानी एज सोल्जर्स इन कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स माने ऑलरेडी अछंती मो अनुरोध करी सब ओडिशा रा युवक युवती मानको आम छुआ मानको कि दे शुड जॉइन द आर्म फोर्सेस इन लार्ज नंबर्स मु एबे सैनिक स्कूल को भी कमडान को जो कि मो लेफ्ट साइड रे बसचंती ताको अनुरोध करी कि आमर सैनिक स्कूल रा इंडिया रिजल्ट इट मस्ट इम्प्रूव आउ ओडिशा रा यूथ मान को कहबा को चाहिबी कि वी आर प्राउड ऑफ यू आर वेरी गुड सिटीजन्स यू मस्ट एम्बाइव गुड डिसिप्लिन गुड वैल्यू सिस्टम्स and be great citizens of India. And I am proud of my country, I am proud of my state. Jai Hind. Sir, apan kahile ki sete bade mane yo dolo kile tankara Indian army officer. Ebe bi sir hochi bo dekhau chi je sete interest asuni apan ko kon laguchi jono uri uriya pila ko sete kon kami rochi dur pai se mane
ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କର କିଛି କମି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ଡରୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମିରେ ଗଲା ମାନେ ସେ ବ୍ୟାଟଲ୍ରେ ବୋଧେ କିଛି ବି ଆମର ରିସ୍କ ଲେବଲ୍ ହାଇ ସେଇଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ନାହିଁ। ସାର୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳିଙ୍ଗ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା କ'ଣ ରହିବ? ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେଜିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ନାଗା ରେଜିମେଣ୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ 1970s ଦୁଇଟା ରେଜିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ବିହାର ରେଜିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆସାମ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରେଜିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ନାଗା ରେଜିମେଣ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଦୁଇଟି ବିଟାଲିୟନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପଏଣ୍ଟଟା କାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଯଦି କିଛି ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ହେଉ କି ନେଭି ହେଉ କି ଏୟାରଫୋର୍ସ ହେଉ, ଆମେ ନମ୍ବର୍ସରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁନୁ। ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଅଧିକା ଏବେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ରେଜିମେଣ୍ଟର କାଲି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆମର ଏଠି ଆୱେର୍ନେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେହେତୁ କି ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଆୱେର୍ନେସ୍ଟା କମ୍। ୟୁଥ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ରାଙ୍କ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ, କେଉଁ ରାଙ୍କ୍ଟା କ'ଣ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଙ୍କ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ସିଗ୍ନିଫାଏ। ସିମିଲାର୍ଲି ମୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଫିସର ବସିଛନ୍ତି, ନୋବଡି ୱୁଡ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ରାଙ୍କ୍, ଓନ୍ଲି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ଦାଟ୍ କି ହି ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଜିନିଷରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କେଉଁ ରାଙ୍କ୍ କାହା ପରେ ଆସେ, କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କେଉଁ କାହାକୁ ସିଗ୍ନିଫାଏ କରେ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆମର ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି କମ୍ ଥ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି କମ୍ ଥ୍ରୁ ମୋର୍ ପିପୁଲ୍ ଜଏନିଂ ଦି NCC। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି, ମୁଁ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ବିଷୟରେ କହିବି, ଆମର ମେଜର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା କି ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଚାଇନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ, ତାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ କେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଫେନ୍ସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଏକାଥରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସୋ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ କେପାବିଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବେଟର ୱେପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ବେଟର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଫିଲ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ କରିବ କି ନ କରିବ, ୱି ଆର୍ ବୋଥ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ କି ଗୋଟାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ନଟ୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆର୍ମିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆର୍ମିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି ଫର୍ ଏନି କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଆଟାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଇ ଫର୍ମଲି ବିଲିଭ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଏନି କଣ୍ଟ୍ରି ଆଟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ, ୱି ଆର୍ ରେଡ଼ି ଫର୍ ଇଟ୍। Yes, I agree. At least there should be awareness. At least I would call upon Odisha, at least prati gaaru jane army navy ki air force join kariba uchit, sie gotiya role model ekiri bahariba. So that can only happen in case we encourage our children. I do not know how many I have been able to motivate,
if I have been able to motivate at least 10 youth from Odisha, I am more than fortunate. It is beyond my capability to comment on that. Sir, apan development katha kahile, modernization katha kahile, amo Odisha re dekhiwa bole sahi school bhogne chalo chhe, apan bhi aaj bolile. Yaar aao tike development pai, aao tike ye kemti. Nischay, bahut support system darkar, bahut motivated staff etikara, mu seya kauthili ki etikara students manu ko encourage more students to join the NDA. They are doing very well in academics. But we need to have more of our representation in the armed forces. There was one more reporter who was asking me, who got interrupted. From a normal, आमे आजिकार वॉरफेयर टा चेंज होची. आपण जानिथिबे, चाइना इज मॉडर्नाइजिंग इन अ बिग वे एंड दे आर ऑल्सो असिस्टिंग पाकिस्तान टू ऑल्सो मॉडर्नाइज इन अ बिग वे. सो देयरफॉर नॉट दैट इंडियन आर्मी इज नॉट मॉडर्नाइजिंग, वी आर ऑल्सो कैरिंग आउट अ लॉट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, लॉट ऑफ केपेबिलिटी एनहांसमेंट. दैट इज अ स्टेप विच इज ऑन गोइंग एंड वी आर गेटिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर and all our honorable Raksha Mantri ji. Everyone is giving a full support system, and of course in my new appointment this will be one of my responsibilities to carry forward this modernization and capability development of Indian Army. या उपरे मोर पछि एबे ज्ञान नाही, तनु आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस, आई माइट गो रॉन्ग इन माय कमेंट. ओके, लास्ट क्वेश्चन. यू ऑलरेडी आस्क्ड प्लीज जस्ट लास्ट क्वेश्चन. रैंक पे ओडिया लैंग्वेज रे परीक्षा पे किछ व्यवस्था करा जिको कि आगु ओडिया ओडिया लैंग्वेज रे परीक्षा पे नाम कमीशन रैंक क्षमा करेंगे ता उपरे मोर एते नॉलेज नाही, मो नुवा अपॉइंटमेंट रे गले मु कहबी. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. This is the last question. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर उपरे नारा कहते हैं कम करने को आम देश सेना बाहन बाहर अधिक अस्त्र शस्त्र आमदानी करे डीआरडीओ हूँ कि बाहर जो भी हम अस्त्र शस्त्र आम सेना बाहन देश उत्पादित अस्त्र शस्त्र को अधिक उपयोग कर. बहुत खुशी है कि आप ये टाइप गोटे प्रश्न पचारे मतलब वेरी गुड क्वेश्चन सिंस द लास्ट क्वेश्चन एक्सलेंट क्वेश्चन. आपण मानको जानिके खुशी हबो कि नाउ वी आर टोटली लुकिंग एट आत्मनिर्भर भारत. बहुत आमर जो लोकल डिफेन्स इंडस्ट्री पर्टिकुलरली मुझे कि सदर्न कमांड रे अच्छी सेठी बहुत एमती डिफेन्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर कमिंग अप पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत. एज इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स वी आर एनकरेजिंग ऑल दीज न्यू कंपनीज विच आर द डिफेन्स सेक्टर कंपनीज. We would be more than proud to use the indigenous equipment towards our war fighting, and as you know, the Indian brains are the best in the world, and they can produce the best equipment in the world. So, towards that end, a big step has been taken in the last 5 years to 10 years. So, I am sure with these endeavors, our industry will be doing an exceptionally good job. They will not only be importing. There will be no necessity of importing, they will be exporting to other countries which need our defense technology. Dhanyabad, Jai Hind.